वेलकम टू ममता वेज किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं तीन इंग्रेडिएंट्स के साथ इंस्टेंट रबड़ी। रबड़ी तो सबको खाना पसंद होता ही है, पर रबड़ी बनाना सबको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है। पर इस रेसिपी से आप रबड़ी 20 मिनट में और केवल तीन इंग्रेडिएंट्स के साथ बना सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिया है कढ़ाई। कढ़ाई में हमने डाला है 2 चम्मच घी, और घी को हमने अच्छे से कढ़ाई में स्प्रेड कर लिया है। घी गर्म होने के बाद हमने डाला है दूध। हमने काउ मिल्क यूज़ किया है। आप चाहे तो फुल क्रीम दूध भी ले सकते हैं, उससे रबड़ी और भी ज़्यादा अच्छी बनेगी। हमें दूध को लगातार चलाते रहना है जिससे कि दूध चिपके ना। अब आप देख सकते हैं दूध गाढ़ा होता जा रहा है। अब हमने लिए 3 ब्रेड और हमने ब्रेड के कॉर्नर्स कट कर लिए हैं। ब्रेड के कॉर्नर्स कट करने के बाद हमें उसको एक मिक्सर जार में डालकर ग्राइंड कर लेना है। इससे हमारे ब्रेड क्रम्स बनके तैयार हो जाएंगे। फिर हम दूध में ऐड करते जाएंगे ब्रेड क्रम्स और उसको साथ ही साथ में मिलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं ब्रेड क्रम्स ऐड करते ही हमारे दूध की कंसिस्टेंसी कितनी गाढ़ी हो गई है। अब हम दूध में ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच चीनी और चीनी को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम रबड़ी में ऐड करेंगे फूड कलर। पहले मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। देन हम बचा हुआ फूड कलर डालकर उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं दूध की कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। तो हम गैस ऑफ करके इसको ठंडा होने देंगे। ठंडी होने के बाद देखिए हमारी रबड़ी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम रबड़ी को सर्व कर लेंगे। ऊपर से हमने ऐड किया है पिस्ता। गार्निशिंग के लिए मैंने रोज़ पेटल्स भी ऐड कर दिए हैं। अगर आपको रबड़ी की ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।